दूसरा आसन करते हैं। अब बारी है मलासन की। मलासन करने से हमारे पैर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि मलासन एक ऐसा पोज है जब हम अपने आप को इतना होल्ड रखते हैं और सारा दबाव हमारे तलवों पर होता है, हमारी थाइस पैरों पर होता है हमारे शरीर का, तो उससे हमारे पैर मजबूत होते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जो ट्रैवलर हैं, क्योंकि अगर आपके पैरों में जान नहीं होगी तो आप ट्रैवल कैसे करेंगे, आप दौड़ भाग कैसे करेंगे, आप चलेंगे कैसे, ट्रैक कैसे कर पाएंगे, तो आप मलासन डेली कीजिए। मलासन कम से कम 5 मिनट हर दिन करिए, हर दिन 5 मिनट उस पोजिशन में होल्ड रहिए, तो देखना आपके पैर कितने मजबूत होंगे, यानी आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, बॉडी की स्ट्रेंथ बनेगी। और अगर नीचे से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बनती है तो ऊपर आप अपनी बॉडी को आराम से संभाल लेते हैं, यानी आपके पैर मजबूत होंगे तो आप अपने शरीर को आराम से संभाल सकते हैं। तो मलासन की शुरुआत करते हैं। मलासन में जाने के लिए अभी मैं वज्रासन में बैठी हूँ। वज्रासन के बाद मलासन में जाने के लिए आपको अपने पैरों को ऐसे रखना है, पूरा 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। 90 डिग्री ये बनाने के बाद हाथों को इस तरीके से और पूरा 90 डिग्री एंगल, आप आंखें क्लोज कर सकते हैं और आपको ध्यान लगाना है। इससे भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप फील कर रहे होंगे कि सारा स्ट्रेच आपके पैर पर पड़ रहा है, थाइस पर पड़ रहा है, घुटनों पर पड़ रहा है, यानी घुटनों के दर्द के साथ साथ आप यहाँ पर आपकी थाइस का भी जो पेन है, थाइस अगर आपकी वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है आपकी बॉडी में, तो उसको भी आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। कम से कम 5 मिनट तक कोशिश कीजिए मलासन में बैठने की और धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को वापस लीजिए और वज्रासन में बैठ जाइए, चाइल्ड पोज में बैठ जाइए। अब रिलैक्स रखिए अपनी बॉडी को। तो ये कुछ इस तरीके से आपको मलासन करना है। आपने मलासन करके आपने खुद फील किया होगा कि आपके पूरा यहाँ पर खिंचाव पड़ा होगा बॉडी पर, और यहाँ पर आपके खिंचाव पड़ेगा यानी आपकी स्ट्रेंथ बन रही है। कुछ लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, जैसे हम 5 मिनट कर रहे हैं, कुछ लोगों से 30 सेकंड रुक पा रहे होंगे, 30 से 1 मिनट रुक पा रहे होंगे, यानी अभी उनकी बॉडी वीक है, इतना दबाव इतना अभी नहीं उनकी बॉडी झेल सकती अपनी पूरी बॉडी का, उनके पैर उनकी थाइज में इतनी जान नहीं है। तो आप धीरे धीरे हर दिन मलासन करेंगे तो उसके साथ आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। आज आप 30 सेकंड कर रहे हैं, कल आप 1 मिनट करेंगे, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मलासन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब बिना किसी देरी के हम तीसरा आसन करते हैं। अब बारी है मकरासन की। मकरासन काफ़ी लोगों का फेवरेट आसन होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसमें कुछ भी हमें नहीं करना, आराम से हमें सीधे लेट जाना है, बॉडी पर भी कोई दबाव नहीं पड़ रहा। और कुछ लोग तो मकरासन करते करते सो भी जाते हैं, जैसे शवासन है, कुछ हूबहू उससे मिलता जुलता मकरासन है। लेकिन मकरासन जब आप करेंगे, अगर आप उसे रियलिटी में कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं सोच रहे कि हाँ बहुत आराम से आसन करना है, हमें सो जाना है, हम बस लेटे हैं, लेजी तरीके से आपको नहीं करना, तो जब आप मकरासन करेंगे तो आपको उसका प्रभाव भी दिखेगा कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ उसका असर पड़ रहा है। अब मैं आपको मकरासन करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ आपकी बॉडी पर उस पर असर पड़ेगा। मकरासन करने के लिए आप उल्टे मैट पर लेट जाइए, ऐसे। मैट पर लेटने के बाद अपने हाथों को यहाँ पर चिन पर रखिए और थोड़ा सा गैप आपको अपने पैरों में रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप, और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लाना है और इनको ज्वाइन करना है। थाइस में थोड़ा सा गैप रखिए, और जब आप पैरों को नीचे लेके जा रहे हो तो अपने पैरों को आपको ओपन रखना है, यानी आप पैर ऊपर लेके आए तब ये जॉइंट हुए ऐसे, और जब आप छोड़ रहे हैं पैरों को नीचे लेके जा रहे हो तो पैर आपके ऐसे ओपन हो जाने चाहिए, खुल जाने चाहिए, और मैट की तरफ बिल्कुल टच होने चाहिए। तो हाथ ऐसे रखकर आप ऐसे करिए। अब आप इसमें फील कर रहे होंगे कि पूरा प्रभाव आपके घुटनों पर पड़ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है। और जब आप इसे ज़्यादा देर तक करेंगे, कम से कम आप इसके 100 स्टेप्स अगर कर लेंगे, तो आपको थकान भी होगी, तब आपको लगेगा कि मकरासन इतना भी आसान आसन नहीं है। तो कम से कम 100 बार आप इसको कीजिए तो आपको ये आसान नहीं लगेगा, और इस आसन का असर भी पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। मकरासन की खास बात यह है कि आपकी कमर में भी अगर दर्द होता है घुटनों के साथ साथ, तो आपकी कमर पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जिस पोजीशन में मैं अभी लेटी हुई हूँ, आप इसमें महसूस करिए, ये जो स्पाइन है यहाँ पर भी असर पड़ेगा, स्पाइन पर भी खिंचाव आपको पड़ रहा होगा। तो मकरासन में जब आप पैरों को ऊपर लेकर आते हैं तो सांस को अंदर लीजिए, जब पैर छोड़ रहे हैं तो सांस को बाहर छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. मकरासन जैसे आपने इसके 100 स्टेप्स किए, 50 आप इसके कीजिए और 50 आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. एक पैर ऊपर आया, एक पैर आपका नीचे होना चाहिए, फिर जब दूसरा पैर ऊपर आ रहा है तो दूसरा पैर नीचे होना चाहिए, यानी ऐसे 1 2 1 2 इस तरीके से. आपके हाथ ऐसे प्लेस होने चाहिए, अपने फेस पे प्यारी सी एक स्माइल रख कर आराम से अच्छा अच्छा सोचिए और इस आसन को कीजिए. कम से कम 100 तो आप कर ही सकते हैं. आज ही टारगेट बनाइए और आज आप मेरे साथ 100 स्टेप्स इसके कीजिए. तो पड़ रहा है ना आपके घुटनों पर असर मकरासन करते हुए, और सिर्फ घुटनों पर ही नहीं आपकी थाइस पर भी असर पड़ रहा होगा. जब आप धीरे धीरे कर रहे होंगे, जब आपको दर्द महसूस हो रहा होगा, दर्द महसूस हो रहा है अगर थाइस में, यानी आप आसन को सही तरीके से कर रहे हैं और आपकी थाइस पर असर पड़ रहा है. इससे भी आपकी थाइस की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी, साथ ही आपकी कमर पर भी असर पड़ेगा. कमर में अगर आपकी दर्द होता है, क्योंकि मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसकी वजह से भी कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है. मौसम का उतार चढ़ाव की वजह से कमर का दर्द बढ़ता है, कम होता है, यानी कमर के दर्द में भी उतार चढ़ाव आता है. तो मकरासन करने से ना सिर्फ आपके घुटनों को निजात मिलेगी दर्द से, बल्कि आपकी कमर का दर्द भी ठीक होगा. तो अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल रखकर खुश होकर इस आसन को कीजिए. धीरे धीरे काउंटिंग कीजिए कि आपने कितने स्टेप्स कर दिए. कोशिश करो 100 बार इसको कंप्लीट करने की, और 100 बार बहुत आसान है, आप कर लेंगे. मकरासन करने से आपके घुटनों को जो दर्द है उससे निजात मिलेगा. तो मैंने आपको 3 आसन बताए और ये तीनों आसन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं आपके घुटनों के दर्द के लिए. अब कुछ आसन हम खड़े होकर करेंगे ताकि आपके घुटने के दर्द को निजात मिल पाए.